नमस्कार दोस्तों, नोजोतो टिप्स पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नोजोतो ऐप पर किस तरह से अच्छा, आकर्षक और सुंदर लिख सकते हैं। नोजोतो ऐप पर लिखना बिल्कुल सरल और बेहद ही आसान है। इसके लिए आप रचना जोड़ने वाले बटन को दबाएं, जहां से आप अलग अलग वॉलपेपर जिप के समूह में से मनचाहा वॉलपेपर या जिप चुन सकते हैं। चुने गए वॉलपेपर या जिफ पर आप अपनी कविताएं, कहानियां और शायरी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखे गए टेक्स्ट की साइज को वॉलपेपर के हिसाब से जमाएं और फिर टेक्स्ट के रंग को वॉलपेपर के बैकग्राउंड के हिसाब से चुने, ताकि वो साफ साफ और सुंदर दिखाई दे। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल वाले ऑप्शन में से अपना मनचाहा टेक्स्ट स्टाइल चुने और अपने लिखे गए टेक्स्ट को और आकर्षक बनाएं। दोस्तों, लिखते वक्त जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है अलाइनमेंट, जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं और जिससे उनकी स्टोरी ज़्यादा सुंदर नहीं दिख पाती है। अलाइनमेंट करते वक्त ध्यान रहे कि टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, लोगों को, आपके नाम को ना छुपाए और साथ ही वॉलपेपर से बाहर ना जाए। इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे टेक्स्ट इफेक्ट, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, और शेडो इफेक्ट, जिसकी मदद से हम अपनी पोस्ट को और सुंदर, आकर्षक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी नोजोतो टिप्स की अगली कड़ी में। नोजोतो पर लिखते रहें और शेयर करते रहें। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोतो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।